अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आप सभी का हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल पर। मैं हूं मोहम्मद फैज और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस मोहम्मदी ज्ञान हिंदी इस्लामिक चैनल को आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है, तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए अल्लाह के प्यारो, आज की मेरे दीनी भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में कुर्बानी करने की दुआ लेकर हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम कुर्बानी करने से पहले की दुआ और कुर्बानी करने के बाद की दुआ को बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे इसे जरूर शेयर करें। जानवर को काबे की ओर मुंह करके लिटाने के बाद ज़िबह करने से पहले ये दुआ पढ़े। إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم من ولك بسم الله بسم الله الله أكبر ذبح करने के बाद ये दुआ पढ़ें। اللهم تقبل مني كما تقبلت من حبيبك من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما السلام। यहाँ पर गौर कीजिएगा, अगर किसी दूसरे की तरफ से करें तो मिन्नी की जगह मिन कहकर उसका नाम लें। दीनी भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके आगे अपने करीबी लोगों में जरूर शेयर करें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।